HRTC की बस है जो दिल्ली से सीधा लद्दाख ले जाती है। 1780 रुपए उसका किराया है। आप एक बार गूगल यात्रा कर रही हूँ मैं। अरे यार ये क्या हो गया? नमस्ते। हेलो। 12000 फीट ऊंचाई पर है अभी हम। आज मैं आपको ले चल रही हूँ तांदी गांव से ले लद्दाख की तरफ। चलो फिर चलते हैं। चलिए थैंक यू सो मच। ये दिल्ली से है और ये भाई साहब चंडीगढ़ से है। इन्होंने मेरे लिए सिर्फ 8 किलोमीटर ज़्यादा आगे आके लिफ्ट दिया। मैं सरस्वती अय्यर, उम्र 25 साल, 12 महीने पहले मैं निकली थी भारत यात्रा के लिए। घूमते घूमते अभी पहुंचने वाली हूँ लद्दाख, शायद आज पहुंच जाऊंगी। ये मेरा दूसरा लिफ्ट है जो मुझे सारचू छोड़ेगा। इनके हिसाब से मुझे लगता है मैं पहुँच जाऊँगी। आप कभी ऐसे फिल्मों वाली लोकेशन आए हो क्या? ये जगह का नाम है दीपक ताल। कितनी खूबसूरत है यार। मुझे तो सफर में मजा आता है, डेस्टिनेशन तक तो मैं इतना सोचती भी नहीं हूँ। वैसे तो मनाली से लेह का सफ़र एक दिन में किया जा सकता है जो कि 450 किलोमीटर लगभग है, पर मैंने तांदी में एक स्टॉप लिया था, तांदी गांव में, जहां पे मुझे विक्रम भाई मिले थे जिनकी अपनी प्रॉपर्टी है। वो हॉस्टल और होटल चलाते हैं तांदी गांव में। आप भी वहां पे हॉल्ट ले सकते हो या फिर केलोंग में भी आप हॉल्ट ले सकते हो जब भी आप लद्दाख की तरफ चलो तो। 12000 फीट ऊँचाई पर है अभी हम। सुनो आ गई है रास्ते पे पूरी, और जितना सूरज निकलेगा उतना ये बर्फ पिघलते पिघलते रास्ते पे आएगी। तो देखो दोस्तों कितनी ऊंची ऊंची फीट तक स्नो पड़ी हुई है इधर। ये स्नो साफ किया होगा क्या? नहीं पिघल गया, तोड़ा होगा है अपने आप पिघलते स्नो इधर। अभी हम देखो ऊपर 12000 फीट के ऊपर है। अभी कुछ 30-40 किलोमीटर ही हुए हैं और रास्ता देखो यार कितना खतरनाक है। पूरा ऑफ रोडिंग हो रहा है इधर तो, रास्ता थोड़ा भी सीधा नहीं है। गाड़ी ऊपर नीचे हो रही है और ये सारे BRO के स्टाफ इतना मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे रास्ता बनाने में। मुझे लगता है आने वाले 2-3 सालों में ये रास्ता काफ़ी स्मूथ हो जाएगा, यानी आप लद्दाख एकदम स्मूथली आ सकते हो। अपनी खुद की गाड़ी भी ले आ सकते हो, लेकिन मैं एडवाइज़ नहीं करूँगी आप खुद की गाड़ी ले आना, क्योंकि यहाँ पर देखो गाड़ियाँ ऐसे फंस जाती हैं। बहुत सारी गाड़ियाँ मैंने रास्ते में फंसती हुई देखी पर वो रिकॉर्ड करने नहीं देते, इसके लिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। देखो ये भी एक गाड़ी शायद फंसी हुई है। इतना अच्छा तो यार मुझे कहीं भी महसूस नहीं हुआ जितना यहाँ पे लग रहा है। ऐसे लग रहा है कोई विनर हूँ मैं जो ऐसे रास्ते क्रॉस करते करते आगे जा रही हूँ। आसपास कोई भी दुकान नहीं होगा, आसपास टॉयलेट नहीं है, आसपास कोई भी होटल या कुछ भी नहीं है। आप सोचो ना ये 450 किलोमीटर में आपको 200 किलोमीटर बिना कोई रिसोर्सेस के निकालनी है। तो आप जब भी इधर के लिए प्लान करो तो प्लीज़ अपने सारी चीज़ें कैरी करो और पानी ये सारी चीज़ों का इंटेक एकदम प्रॉपरली करो। आपका तो रोज कब से ड्राइव कर रहे हो आप इस लाइन में? 10 साल हो गए। 10 साल? अरे बाप रे। ये देखो दोस्तों कैसे पानी आ रही है लगातार, ग्लेशियर पिघल पिघल के पानियाँ आए जा रही है। और ये भाई साहब सारे नमस्ते, ये साफ कर रहे, कितना मेहनत करते हैं यार लोग यहाँ पे, एक एक ये सारे पत्थरों को साइड साइड में करके रास्ता प्लेन करते हैं। एक दुकान नहीं है इधर, लद्दाख लद्दाख बोल के ऐसे ही हाइप पंजा मचा के रखा है अपने। कोई बंदा नहीं दिख रहा, कोई दुकान नहीं है, कोई लोग नहीं है, कोई भी नहीं है, बस ऐसे वीडियो बनाने के लिए हाइप बना के रख दिया है आप लोगों ने। यहाँ पे ये काम चल रही है रास्ते के, पूरा धूल धूल हो गया है ये रास्ता, ग्लेशियर भी पिघल पिघल के इधर नीचे आ रहे हैं। देखो सारे ग्लेशियर आसपास हैं। काफी ऊंचाई पर आ गए हम।
एक और ज़रूरी बात बताना तो भूल ही गई मैं दोस्तों, मेरा मोबाइल नेटवर्क यहाँ पे काम नहीं कर रहा है जिस्पा के आगे से। जिस्पा करीब 25 किलोमीटर आगे है तांदी गांव से, जहाँ से मैंने शुरू किया था। तो 25 किलोमीटर के बाद से मेरे पास नेटवर्क भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मुझे पहुँचना ही पड़ेगा आज ले लद्दाख, वरना फिर मेरी शामत आ जाएगी। बर्फ़ देख रहे हो आप, कितनी मोटी मोटी चादर है। अगर रात में मैं यहाँ पे फंस गई तो मेरी कुल्फी जम जाएगी, अगले दिन मुझे सीधा बनारस के घाट बहा दिया जाएगा अगर मुझे कुछ हो गया तो। यार ये कैसे क्रिएशंस हैं यार, देखो ना यार नज़ारे इतने सुंदर, इतने मतलब ऐसा लग रहा है कि ये सब इतना ऑर्गेनिकली इतना ब्यूटीफुल कैसे है। हम इतने मेहनत करके कंस्ट्रक्ट करके इतनी सारी चीज़ें बनाते हैं और ये इतनी ब्यूटीफुल कैसे है। तो दोस्तों स्नो देखना है तो पहले लोग यहाँ पे ले आते हैं आपको स्नो ड्रेस पहना कर और यहाँ पे स्नो में खिलाते हैं। एकदम पानी से भरे हुए हैं, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और ट्रैफिक देखो। अभी अभी हमने न्यूज़ सुनी कि हिमाचल में हर जगह पे भूकंप आया है और मुझे कॉल भी आया था तांदी से जहाँ पे मैं रुकी थी, वहाँ पे भी थोड़ा भूकंप महसूस हुआ था। छेनाब नदी है शायद, ग्लेशियर पिघल पिघल के बह रहा है इधर हर जगह से। रास्ते पर भी कुछ कुछ आ जाते हैं और रास्ते काफ़ी मतलब कुछ जगह पे काफ़ी अच्छे हैं और कुछ जगह पे थोड़े बहुत मतलब पत्थर पत्थर हैं। तो जो इधर प्रोफेशनली ड्राइव कर रहा है उसके लिए इजी होगा। बाय बाय। हमारे साथ साथ ये हिमाचल टूरिज्म की बस भी जा रही है। यहाँ से लद्दाख के लिए डायरेक्ट बस भी है क्या? हाँ, HRTC की बस है। अच्छा, तो उसमें लगभग कितना किराया होता होगा? 1780। 1780 मनाली से? दिल्ली से। अच्छा, HRTC की बस है जो दिल्ली से सीधा लद्दाख ले जाती है, 1780 रुपये उसका किराया है। आप एक बार गूगल कर सकते हो और वो भी बुक कर सकते हो, और नॉट बैड 1700 में आपको डायरेक्ट दिल्ली से मतलब कितने दिन में छोड़ती है? एक दिन आएगी दिल्ली से मनाली, मनाली से सीधा। अच्छा, मनाली में रुकने का फिर सीधा ले। अच्छा, एक दिन मनाली में रुकेगी और फिर सीधा ले को लेके चली जाएगी। यहाँ पे काला चश्मा पहनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जो स्नो के ऊपर सन का रिफ्लेक्शन पड़ता है ना तो वो काफ़ी शार्प रहता है और आँखों को डैमेज कर सकता है। तो इसके लिए इधर आते ही काला चश्मा पहन लो, और यहाँ पे रास्ते में बेचते भी हैं तो आप वहाँ से भी खरीद सकते हो। के ऊपर के हिस्से में जो बर्फ है ना, अंदर भी है कोपरे, ये ऊपर का पहाड़ दिख रहा है, अरे बाप रे, इतनी लेयर बर्फ की।
देखो वो जो बर्फ दिख रहा है आपको, जो ऊंचे ऊपर है ना पर्वत में, वो सारे पिघल पिघल के नीचे आ रहे हैं, बट नीचे के बर्फ जल्दी नहीं पिघलेंगे, ऊपर के बर्फ जल्दी पिघलते हैं, क्योंकि ऊपर धूप जल्दी लगती है ना, नीचे जल्दी नहीं लगती। ये देखो कुछ लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। नमस्ते नमस्ते, हेलो, भारत यात्रा कर रही हूँ मैं। देखो ये दो कैटेगरी के लोग हमें हमेशा मिलते हैं, कुछ लोग यहाँ पे पैसे खर्च करके एंजॉय करने के लिए आते हैं, कुछ लोग यहाँ आके पैसे जमा करने आते हैं अपने परिवार के लिए, है ना, भले ही उनको अच्छा लगे नहीं लगे, बड़े इधर आकर मेहनत कर रहे हैं। देखो टूरिस्ट तो कितने सारे लोग ये बर्फों में खेलने के लिए, स्नो में खेलने के लिए आए हैं। देखो 20-30 हज़ार के ऊपर देते हैं इधर स्नो में खेलने के लिए, और मतलब फोटो वोटो खिंचाते हैं। मैं उसको गलत नहीं मानती हूँ, बट मैं बता रही हूँ आपको कि दोनों कैटेगरी के लोग मिलते हैं हर जगह पे। तो आप जब भी नज़र बनाते हैं ना हम, कि अच्छे लोग होते हैं बुरे लोग होते हैं, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, सबकी सिचुएशंस होते हैं, और सिचुएशंस में उनके लिए शायद वो सही हो लेकिन आपके लिए गलत लगते हैं, तो ऐसे जज मत किया करो किसी को। और आप भी आ जाओ हिमाचल जल्दी। पर रास्ते देखो यार, दोनों तरफ स्नो ही स्नो है पूरा। 2000 years later। ये माल, नमस्ते दोस्तों, ये देखो पूरा स्नो, आँखों में बहुत चुभता है ये स्नो, जब इसके ऊपर धूप पड़ती है ना काफ़ी शाइन करता है। तो आप यहाँ पे ये ऐसे ग्लासेस पहन कर आना, हमारे पास तो घर से ही लेकर चले थे। ये देखो स्नो का ग्लेशियर निकाल रहे हैं वो JCB से। नमस्ते, हम भारत यात्रा पहुंच गई है लेह लद्दाख के रास्ते पर, देखते कितनी जल्दी लेह लद्दाख पहुंचेंगे। ये देखो बर्फ। ओह माँ, ठंडा हो गया हाथ। अच्छा ओके, ये ऐसे करने से नीचे आएगा कह रहे हैं। ये देखो JCB से इसको उतार रहे हैं। ये देखो ये एक सेक्शन ऊपर से नीचे को आया है और ये निकाल रहे हैं। देखो फ्रेश से स्नो आई है, ये स्नो निकाल रहे हैं। बिना काले चश्मे के और कैप के आप मत आना यहाँ पे, चश्मा बहुत ज़रूरी है, और ये जो डार्क स्पेक्स है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वरना ये जो स्नो पे सनलाइट का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है ना आँखों में काफ़ी तेज़ी से जा रहा है। देखो मैंने स्नो पे हाथ लगाया तो मेरे हाथ थोड़े नम हो गए। ये सब हरकतें आप मत करो। ये देखो मेरे बादाम का पैकेट तो पूरा ख़त्म होने आ गया, अभी इतने से बचे हैं 20-30 बादाम तो पूरे ख़त्म हो गए। अब यहाँ पे लाए अंकल सुसू कर रहे थे दूर। सही बात है, यहाँ पे टॉयलेट वगैरह कुछ भी नहीं है। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, पानी पीना तो ज़रूरी है बट लिमिट में पीना, ऐसे नहीं कि आपको इमरजेंसी आ जाए, सुसू आने लग जाए बार बार, तो आपको ऐसे रास्ते पे करना पड़ेगा। लड़कियों के लिए स्पेशली ये एडवाइस था, लड़के तो फिर भी कहीं भी रुक जाते हैं, लड़कियों का थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो लड़कियाँ ये चीज़ें ध्यान रखो। बादाम बादाम बादाम, वैसे ये तो नेचुरल बर्फ है, देखो ये स्किन के लिए काफी अच्छी होती है, स्किन मसाज, स्किन शाइन करती है फिर तो बर्फों से। आइस मसाज आप करते हो घर पे? मैं तो करती थी, अब तो एक्चुअल नेचुरल आइस से कर रही हूँ। चमक रहा है फेस। ये देखो बर्फ़ों से मैंने मुंह धो के अभी सनस्क्रीन ले लिया है, हाथ में सनस्क्रीन लगा रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि इधर बहुत ही ज़्यादा धूप है, मैं वैसे ये सब नहीं लगाती हूँ। ये देखो इन लोगों ने हमारे लिए बर्फ़ हटाया पूरा और रास्ता साफ कर दिया हमारे लिए, थैंक यू। JCB से देखो इन्होंने पूरा ये बर्फ़ हटाया है,
लगभग एक एक आधे घंटे में इन्होंने पूरा बर्फ हटा दिया रास्ते का, ताकि हम सफर कर पाए। ये पूरे रास्ते में बर्फ आ पड़ी थी। हम अभी आगे चल रहे हैं। मैंने थोड़ा फेस भी बाल बाल बना लिए, थोड़े कोम वोम कर लिया, अब थोड़ा स्टाइलिश लग रहा हूँ, है ना। इतना सारा बर्फ अभी अभी इन्होंने तोड़ा है रास्ते पर, और भी तोड़ने वाले हैं। ये साइड का पूरा तोड़ तोड़ के नीचे डालेंगे। यहाँ पर रहना इतना इजी नहीं है, बट फिर भी लोग प्रूफ करते हैं कि मतलब यहाँ पर भी जिया जा सकता है। और ये देखो कैसे कैसे इन्होंने निकाला है बर्फ को एकदम लाइन से, ताकि लोग सफर कर पाए इस रास्ते पर। ये देखो दोस्तों, जो आपको अगर ऊपर दिख रहा है तो मैं मार्क कर दूंगी इसको। ये जो ये है ना, वो तालाब है जो कि अभी बर्फों से ढका हुआ है। 10-15 दिन में ये पूरा क्लियर होके ये तालाब पूरा दिखने लगेगा। और यहाँ के लोग कहते हैं कि ये काफ़ी गहरा होता है ना, काफ़ी गहरा होता है। यस, देखो यस। इसका नाम क्या है? इसका सूझताल। सूझताल, ये देखो। ये देखो तालाब, सूझताल नाम है इसका, आप गूगल कर सकते हो अगर आपको इस तरफ आना है तो। ये तालाब काफ़ी फेमस है दीपक ताल के बाद, है ना। ये देखो दोस्तों, ये एक गाड़ी है, J&K की गाड़ी है। इन्होंने अभी अभी गाड़ी में से ब्रेड के और चिप्स के पैकेट ऐसे निकाल के फेंक दिए। ओ हो हो, गाड़ी लग गई है अंदर, पानी पानी लग गई है गाड़ी के अंदर। इतनी से दोस्त पे हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्या स्मूथ निकाल दिया आपने, अरे बाप रे। क्या स्मूथ निकाल दिया यार। इसके लिए कहती हूँ दोस्तों, आप अपने गाड़ियाँ अपने घर ही छोड़ के आओ, और यहाँ पे जो गाड़ियाँ चलाते हैं जैसे बस हो या फिर यहाँ के जो लोकल टैक्सी वेंडर्स हैं, उनको आप पे करके, क्योंकि पेट्रोल का खर्चा और आपकी यहाँ वहाँ के खर्चे सारे इक्वली हो जाते हैं ना, सब खर्चा इक्वली हो जाता है। आप अपने से पैसे डालकर सब करके ले आओ, और या फिर इनके मदद से जाओ, आपको सेम ही रहेगा खर्चा। और प्लस आप अगर इनके साथ चलोगे ना, सेफ्टी का थोड़ा टेंशन आपको कम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे वो ड्राइविंग करना जानते हैं। आप देखा आपने पीछे कैसे एक गाड़ी पंजाब की थी जो पानी के अंदर ऐसे डस गई थी, और उसकी वजह से बहुत सारा ट्रैफिक भी रोक रखा था। तो ये सारी चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हो अगर आप अपनी गाड़ी घर छोड़ के आओ और यहाँ के लोगों के साथ चलो। अनटिल एंड अनलेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आप 20-30 लोग या फिर मतलब बहुत सारे लोग इकट्ठा घूम रहे हो, तो भी आप यहाँ के टूरिज़्म को सपोर्ट कर सकते हो ऐसे यहाँ के लोकल लोगों के साथ घूम कर। और ये तो मेरा बस सजेशन रहेगा, अगर आपको बुरा लगे तो। नमस्ते भाई, मैं भारत यात्रा पर हूँ। आप कहाँ से हो? हम नेपाल से। नेपाल से, अच्छा नेपाल में कहाँ से? नेपाल जुमला से। जुमला, अच्छा अच्छा अच्छा, हम जाएंगे जल्दी। चलिए नमस्ते। इनको लिफ्ट दिया था भाई ने, जैसे मुझे दिया है। कहाँ से दिया था इनको? वो कौन सा कुछ, बारह लच्छा टॉप से उनको लिफ्ट दिया था, यहाँ तक छोड़ दिया। देखो यहाँ पे ऐसे, ये बीआरओ के ही है ना? हाँ, बीआरओ के लोगों का यहाँ पे रहना होता है शायद, और इनकी पोस्टिंग अभी हुई है ये भाइयों की। ये देखो ये कपड़े वगैरह धो रहे हैं। ये सारे लोग रह सकते हो तो हम क्यों नहीं ऐसे साधारण रह सकते हैं यार, हमें क्यों इतना चीज। रास्ता बड़ा खबर खबर वाला है।
हाय। ये देखो दोस्तों, ये गाड़ी कैसे टूट गई है ऊपर। ये देखो हम यहाँ पे पहुँच गए। हमें सारचू तक की लिफ्ट भाई ने दी। भाई यहाँ पे ये कैंपर चलाते हैं और इनका है ना, अगर मैं इनका नंबर चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। इसी में है क्या? अच्छा, ये देखो यहाँ पे इन्होंने अपना नंबर लिखा है। अगर ये रोड पे हिमाचल में मनाली से ले के रोड पे ना, जी जी, मनाली से ले के रोड में किसी की भी अगर टू व्हीलर रिपेयर होती है, ख़राब होती है या कहीं भी अटक जाती है तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो। ये आ जाएंगे पिकअप करने, है ना? जी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। आप, हाँ, डे एंड नाइट सर्विस होता है। आप कॉल कीजिए, अगर नहीं भी हो रहा है तो ये किसी से अरेंज करवा देंगे। इनके कॉन्टैक्ट्स हैं यहाँ पे। तो इन्होंने मुझे यहाँ सारचू तक छोड़ दिया है। अभी 4:30 बज रहे हैं, देखते हैं हम ले कैसे पहुँचते हैं। धूप बहुत तेज़ है यार, अगर मैं ऐसे देखूँ ना आंखें खुल नहीं रही हैं। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है काला चश्मा पहन के रखना। दोस्तों ये देखो यहाँ पे कैंप लगे हुए हैं और इसके बाहर ही बहुत सारे बाइक्स खड़े हुए हैं। तो ये बाइक्स को ही लेने आए हैं ये कैंपर में। तो इन्होंने कहा अगर आपको लिफ्ट मिलती है तो आप चले जाओ, छोटी गाड़ी में जाना, बड़ी गाड़ी जो ट्रक होती है उसमें मत जाना। बड़ी गाड़ी में जाओगे तो फंस जाओगे, रात में पहुंच नहीं पाओगे ऊपर। और ट्रक्स जो होते हैं यहाँ पे बहुत सारे जगह पे, आपने भी देखा ना, पानी पानी में अटक जाते हैं। तो छोटी गाड़ियाँ जाती हैं यहाँ की, तो आप जाना, अदरवाइज़ आप हमारे साथ फिर चल दो मनाली और बोले कल सुबह फिर निकलना। तमिलनाडु के बहुत सारे टूरिस्ट आ गए हैं और इन्होंने सारी गाड़ियां जो है HP की लेकर इधर तक ड्राइव करते हुए आए और यहां पे गाड़ियों को पार्क कर दिया। अभी यहां से लेके गाड़ी ले जाएंगे। ये सारे स्नो पिघल चुके हैं, अभी तो पहाड़ कुछ ऐसे दिख रहा है। तो दोस्तों मैंने अपनी यात्रा का ड्रेस पहन लिया। अभी शायद ले आज नहीं पहुंच पाएंगे, यहाँ पे रुकेंगे या फिर आगे आगे कहीं रुकेंगे या तांदी फिर चले जाएंगे। मुंह धो लेते हैं, सोप ले लिया मैंने, ये पानी है यहाँ पे, इसी से मुंह धोना पड़ेगा आज। बर्तन धोने वाला पानी है, आज धो लेते हैं। ये भाई लोगों ने मदद की थोड़ा ड्रेस चेंज करने के लिए, ये कैंपिंग टेंट में अलाउ कर दिया और मुँह धोने के लिए सब से ये व्यवस्था कर दी। अच्छा लग रहा है, धो लिए, अभी चलते हैं चेंज कर, क्रीम वीम लगा लेते हैं, फेस पे सनस्क्रीन लगा लेते हैं। धूप है, पहाड़ों की धूप का पता नहीं है। ये देखो ये भाइयों ने जो ये कैंप रन करते हैं, इन्होंने मुझे यहाँ पे ड्रेस चेंज करने का और फेस वॉश ये सब करने के लिए थोड़ा बहुत गाइड किया और हेल्प करी। मेरे से तो इनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बट आप यहाँ पे ये कैंप बुक करा सकते हो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और लेह लद्दाख जाना चाहते हो तो इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चल मेरे भाई, हेलमेट गिन के लेना मेरे भाई, फिर उधर आपको बोलेगा भाई गिन के लेंगे। चलो एक दो दोस्तों, यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम हो गया है। अब देखो ये बाइक चला रहे हैं, गाड़ी के अंदर बाइक सारे अंदर कर रहे हैं और हम यहाँ से चाय पी के फिर शायद तांदी जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लिफ्ट का कोई अता पता नहीं लग रहा। ट्रक्स जा रही हैं, बट जो ट्रक्स होती हैं वो रात में कहीं भी हॉल्ट कर सकती है। तो और मतलब बड़ी गाड़ियों का यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो सकता है, ऐसा इन्होंने भी कहा। तो मुझे भी लगता है कि मुझे शायद यहाँ से मुड़ जाना चाहिए। देखते हैं, लिफ्ट मिली तो ले के टारगेट कर रहे हैं, अभी भी नहीं मिले तो फिर वापसी करेंगे।
बाय बाय। टेक केयर, संभल के जाओ। यहाँ के वर्कर्स हैं, स्टाफ्स हैं, ये टेंट वगैरह संभालते हैं, बाइक्स वगैरह चढ़ाना उतारना सब करते हैं। चले गए उधर उस तरफ कुछ कॉप से शायद। ओई, ये देखो आप लोग जो कचरा फेंकते हो इनको ऐसे बार बार साफ करना पड़ता है पानी में से। ये ऐसे पॉलीथीन और ओए मेरी परछाई, ये देखो ऐसे प्लास्टिक का बॉटल, पॉलीथीन, ये सारे ऐसे पानी में अटक जाते हैं और पानी को एक जगह पे स्टोर करते हैं। आप लोग ऐसे मत फेंको यार, पीछे एक J&K की गाड़ी ने भी ऐसे ही किया था। आप लोग अगर देख रहे हो और इस रास्ते पे या कहीं पे भी जा रहे हो तो अपना खर्चा कचरा सॉरी खुद ले जाओ। ये देखो बाइक्स लोड हो गए हमारे और सनलाइट भी चला गया और अभी हम इस जगह को विदा करेंगे। सारचू में ये एक कैंप है, बहुत अच्छा है कैंप, शायद काफ़ी लोग देखे मैंने यहाँ पे। आप आ सकते हो इधर सारचू के रास्ते पे, एक हॉल्ट ले सकते हो, अदरवाइज़ अर्ली मॉर्निंग निकल रहे तो आप ले डायरेक्ट भी पहुँच सकते हो। चलो अब मैं वीडियो यहाँ पे ख़त्म करती हूँ क्योंकि सनलाइट चली गई है, गोप्रो की लाइटिंग अच्छी अभी होगी नहीं। अपना ख्याल रखो, बाय बाय। अभी मैं शायद फिर से तांदी जाऊँगी या फिर देखते हैं कुछ ना कुछ क्या कर सकती हूँ मैं। अगर जो भी होगा आपको अगले वीडियो में मालूम पड़ जाएगा। बाय बाय, अपना ख्याल रखो।